गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर MY20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन एंड डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय टाइटेटिंग अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। देखिए, आज हमें जो है दिए गए अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जो है स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है और MY20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है और इंडिकेटर जो इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा फिनोल्फथालीन। देखिए, आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा वो है एसिड बेस्ड टाइटेशन, जिसमें एक सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रहेगा और दूसरा सॉल्यूशन हमारा बेस रहेगा, जिसमें एक सॉल्यूशन हमारा क्या है ऑक्सैलिक एसिड है, ये क्या है वीक एसिड है, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो नॉन सॉल्यूशन है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये टाइटेशन जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड अपरेटस है ब्यूरेट पीपेट फनल बीकर कुनकर फ्लास्क मेजरिंग फ्लास्क 250 ml का और वाश बॉटल एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हमें अपरेटस की आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड केमिकल्स हमारे हैं ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। ये हमारे जो है रिक्वायर्ड केमिकल्स हो गए। इसका रिएक्शन हम लोग समझ लें। देखिए, रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड गिव्स सोडियम ऑक्सैलेट एंड वाटर। देख रही है, ये हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारा क्या है ऑक्सैलिक एसिड है, ये वीक एसिड है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सोडियम ऑक्सैलेट। देखो, ये सोडियम ऑक्सैलेट बनाया और वाटर बना दिया। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें कितना है 2 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये सोडियम ऑक्सैलेट बनाता है और 2H2 बनाता है। क्योंकि ये एसिड और बेस के बीच में हो रहा है तो इसे एसिड बेस टाइटेशन कहते हैं, और जब इसमें 2 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 2 मोल लगाएंगे तब ये जो बैलेंस हो जाता है, तो ये क्या बोलते हैं ये बैलेंस होने पर क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया इस मतलब कि न्यूट्रलाइज हो गया, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइटेशन, ठीक है। तो अभी हम इसको करके देखते हैं। इसके पहले हम टू प्रिपेयर MY20 ऑक्सैलिक एसिड। देखिए, हमको जो है ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है, तो इसको बनाने के लिए MY20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये एक फार्मूला है वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी क्या है MY20 मोल पर लीटर एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है 126.07 ग्राम पर मोल, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 250 ml, 250 ml बनाना है यहाँ पर अंडर बेस। मोलरिटी कितनी थी MY20, तो 1.20 हो गई। मोलर मास जो है 126.07 ग्राम पर मोल, ये हमने लिख दिया। और वॉल्यूम कितना है हमारा 250 ml बनाना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.58 ग्राम पर 250 ml, मतलब कि 250 ml में अगर हम इतने ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व कर दें तो हमारा MY20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन जो है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ हमें दिया रहेगा एक अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसकी हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अभी हम परफॉर्म करेंगे। इसके पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इसको V1 मान लिया है, ये हम हर बार 25 ml लेंगे पीपेट से 25 ml लेंगे। उसका ब्यूरेट जो ब्यूरेट में क्या रहेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा जिसकी हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है, उसमें इनिशियल में दी फाइनल में दी, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो हमारा कितना होगा वॉल्यूम ऑफ मैंने थोच यूज कितना हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है ये V2 हो जाएगा। इस तरह हम 3 रीडिंग निकालेंगे, इसमें से जो 2 रीडिंग कनकॉर्डेंट या सेम होगी उनको रीडिंग को हम ले लेंगे, तो कम से कम 2 रीडिंग हमारे जो है सेम होनी चाहिए। तो कनकॉर्डेंट रीडिंग ऑफ V2 इस पर जो क्या हो गया जो भी आएगी इसको लिखेंगे। इसके पहले हम लोग क्या करते हैं इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। आइए हम लोग परफॉर्म करते हैं। आइए हम लोग जो है MY20 ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे।
ठीक है, उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी ये ऑक्जेलिक एसिड डिहाइड्रेट, ये हमें सब जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें एक 250 ml का मेजली फ्लास्क चाहिए, देख रहे हैं ये 250 ml का मेजली फ्लास्क है, इसमें एक मार्क पड़ा हुआ है, देख रहे हैं कट मार्क है, अगर यहाँ तक हम भर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है 250 ml तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक चाहिए फनल चाहिए, एक ग्लास फनल की आवश्यकता पड़ेगी और एक पोर्सलिन डिस्क की, इसमें हम साल्ट वे करेंगे। इसके साथ साथ हमें एक वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और एक डिजिटल वाटर वाश वाटर की आवश्यकता है जिसमें डिजिटल वाटर भरा हुआ है और एक बीकर की आवश्यकता होगी। तो इस तरह ये हमें जो है ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद इसको हम पोर्सलिन डिस्क वेइंग मशीन पर रखेंगे और इसको पेड़ को दबाने पर ये 0-0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमको लेना है एम बाई 20 ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए, वो ऑक्जेलिक एसिड लेना है वो 1.58 ग्राम लेना है 250 ml बनाने के लिए। ये हमने जो है ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए ले लिया है और इसमें 250 ml बढ़ाने के लिए 1.58 ग्राम लेंगे, ज़्यादा हो गया थोड़ा उसको कम कर देंगे। ये आ गया लगभग 1.58 ग्राम जो है हमने ले लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे इससे जो है ऑक्जेलिक एसिड को हम फनल लेंगे और ये मेजरिंग फ्लास्क पे लगा देंगे। लगाने के बाद ये जो हमने ऑक्जेलिक एसिड जो है वे किया है इसको इसमें पलट देंगे। पलटने के बाद ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर से इसको हम अच्छी तरह से इसमें देख लेंगे कि सारा जो ऑक्जेलिक एसिड है ये क्रिटिकल फास में, ये आपका जो है मेजरी क्लास में जा रहा है, इस पर लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम इसमें भी थोड़ा बहुत लगा रह जाता है उसको हम साफ कर लेंगे। ये हमने इसको भी हमने सीमित कर दिया, तो इससे सारा जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड था वो इसमें आ गया है। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के लिए इसको अच्छी तरह से हम शेक करेंगे जिससे कि सारा ऑक्जेलिक एसिड जो है इसमें डिसॉल्व हो जाए। अच्छी तरह इसको डिसॉल्व कर लेंगे। जो है लगभग सारा जो है ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व हो गया है। इस तरह इसको डिसॉल्व करने के बाद इसमें जो एक मार्क पड़ा हुआ है यहाँ तक हम डिस्टिल वाटर भर देंगे
तो हमारा जो है 250 ml सॉल्यूशन जो है M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब इसको हम डिस्टिल वाटर भरेंगे वाश बॉटल की सहायता से। इस पर निशान पड़ा हुआ है, निशान तक में लेना होगा, तो हमारा M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। हमें थोड़ा ध्यान देना रहेगा कि कोई निशान से भी ज्यादा नहीं लेना है, पर निशान तक ही हमें भरना रहेगा। तो थोड़ा सा धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप भरेंगे, धीरे धीरे कि निशान तक ही हमें लेना है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान सावधानीपूर्वक इसको निशान तक हमने जो है निशान तक ले लिया है। तो इससे हमारा जो है M/20 ऑक्सैलिक एसिड इन 200 ml का जो है सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसके साथ जो है हम टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स है वो है ब्यूरेट, ये हमारा ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट स्टैंड है, और दूसरा ऑपरेटर हमारा पिपेट। देखिए ये पिपेट है, ये 25 ml का, और ये पिपेट पंप लगा हुआ है इस पर, ठीक है। ये एक कोनिकल फ्लास्क है, एक फनल है, और ये हमारा जो है बीकर है, ठीक है। एक बीकर ये 100 ml का, अब हमें चाहिए सोल्यूशन। जो हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो हमारे पास, हमने भी M/20 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन बनाया है, ये M/20 ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन है, और ये हमारा अननोन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ठीक है। इसकी सहायता से हम जिसकी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे, और एक इंडिकेटर है हमारे पास फिनॉफ्थलिन इंडिकेटर, ठीक है, ये फिनॉफ्थलिन इंडिकेटर है। तो इस तरह हमारे पास जो रिक्वायर्ड केमिकल्स भी सब उपलब्ध है। देखिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमारे सारे ऑपरेटर्स जो है अच्छी तरह से डिस्टिल वाटर से साफ होने चाहिए। अगर हमारा ऑपरेटर साफ नहीं है तो हमारा रीडिंग जो है सही नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्यूरेट में हम साफ करने के बाद ब्यूरेट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अननोन सोल्यूशन जो है इसको हम फिल करेंगे। तो करने के लिए फनल की सहायता से हम फिल करेंगे, धीरे धीरे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इसमें हम जीरो से थोड़ा ऊपर ले लेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे जीरो पर लाएंगे, क्योंकि ये जो है इसमें स्पेस रहता है खाली, इसमें भी सोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो इसलिए अभी इसको हम जीरो से थोड़ा ऊपर लेते हैं, उसके बाद इसको धीरे धीरे जीरो पे लाके रखो। तो इससे हमारा ब्यूरेट में जो है अननोन सॉल्यूशन N/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आ गया है,
ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एयर बबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आ गया है। अब हमें कोंकर फ्लास्क में जो हमारा M/20 ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जो हमने तैयार किया था उसको पीपेट आउट करेंगे एक पीपेट की सहायता से। ये 25 ml का पीपेट है, इसकी सहायता से हम इसको पीपेट आउट करेंगे। इस तरह हमने धीरे धीरे इसको हम इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, उस मार्क तक इसको हमको बढ़ना है, देख रहे हैं। इस पर एक मार्क पड़ा हुआ है, ये मार्क है, इस मार्क तक हमको बढ़ना है। एयर बबल नहीं होना चाहिए इसके। ये हम मार्क तक ले आए और उसके बाद इसको हमने कोंकर फ्लास में ट्रांसफर कर दिया, देख रही है। धीरे धीरे कोंकर फ्लास में ट्रांसफर हो गया। इसको जो है इस तरह हमारा जो है 25 ml जो है M/20 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इसमें आ गया है। ये एसिड है, इसके मतलब कि इसका पीएच क्या है, 7 से कम है, 0.7 है। अब इसमें क्या करेंगे, फिनोक्टिलिन इंडिकेटर जो है इसकी देखो 4 ड्रॉप्स जो है इसमें फिनोक्टिलिन इंडिकेटर मिलाया। क्योंकि एसिडिक मीडियम में फिनोक्टिलिन कलरलेस होता है तो ये कलरलेस है, ये एसिडिक मीडियम में है। अब क्या करेंगे, इसको टाइटेट करेंगे। टाइटेट करने के लिए इस तरह हम ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और एक एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे। जैसे ही इसका मीडियम चेंज हो जाएगा वैसे ही इसमें कलर क्या है, पिंक कलर आएगा, वही हमारा एंड पॉइंट होगा। इस तरह हम इसको जो है एक एक ड्रॉप गिराएंगे और नज़र हमारी कोंकर फ्लास्क पे ही होनी चाहिए। चेक कर दिया है और इसको हम इसका शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी कोंकर फ्लास्क पे ही होनी चाहिए कि जैसे ही इसका कलर पिंक हो हम इसको रोक देंगे और इस तरह हम इसको कॉन्स्टेंट स्टेरिंग करते रहेंगे, देखेंगे। और इसको हम चेक करते रहेंगे जब तक कि ये पिंक कलर ना जाए। इसका एंड पॉइंट जो है हमारा पिंक कलर पे है और ये हमें पिंक कलर प्राप्त हो गया। यही हमारा एंड पॉइंट है, इसका मीडियम चेंज हो गया है। इसकी हम रेटिंग पढ़ लेंगे, इसकी रेटिंग हम नोट कर लेंगे। ये रेटिंग हमने नोट कर ली 0.5, रेटिंग नोट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। फेंकने के बाद एक बार इसको डिस्टिल वाटर से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। इसी तरह हम दोबारा फिर करेंगे। दोबारा फिर करने के लिए फिर हम 25 ml ऑक्सैलिक एसिड पीपेट आउट करेंगे। इस तरह में जो है 35 ml मार्क तक हमें लेना है। मार्क तक लेना, ये हमारा मार्क तक आ गया है।
इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह हमने जो है इसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। ये हमारा जो है उनकर पास में M/20 ऑक्सीजन एसिड आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह फिर हम इसमें फिनॉक्सिलिन की इंडिकेटर है इसकी तरह 4 ड्रॉप्स हम इसमें मिलाएंगे, 4 ड्रॉप्स मिलाया। कलरलेस है क्योंकि इसका पीएच क्या है, 7 से कम है। अब इसको हम ठीक उसी तरह फिर टाइटेट करेंगे। जो फाइनल रीडिंग थी हमारी, अब वो क्या हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, हम उसी के आगे टाइटेट कर रहे हैं। और हम ये फिर एक एक ड्रॉप गिराएंगे जैसे पहले गिराया था हमने, इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी क्लिनिकल पास पे ही होनी चाहिए क्योंकि जैसे ही इसका कलर पिंक आएगा हम इसको रोक देंगे। नज़र हमको उसका स्नेह करना है, कॉन्स्टेंट स्कैनिंग करते रहना है। और स्कैनिंग करते रहना है, जैसे ही पिंक कलर आए इसको हमको रोकना रहेगा। और ये धीरे धीरे पिंक कलर जो है दिखाई देने लगा है, और ये लगभग हमारा पिंक कलर आ गया है। अब इसको हमने क्या किया, रोक दिया है, ये हमने रुक कर दिया है स्क्रीनिंग। फिर इस लाइन में जो है 2 रीडिंग निकालेंगे, इसी तरह हम 3 बार करेंगे और हमारी जो है 2 रीडिंग कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। तो इस तरह हमको जो है 3 बार करना, तो इस तरह हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया है। आइए अब हम कैलकुलेशन द्वारा इसका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टेन ज्ञात करते हैं। आइए हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसमें हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड V1, हमने हर बार 25 ml लिया है, हमने 25 ml जो ऑक्सैलिक एसिड लिया था क्लिनिकल फ्लास्क में, और प्यूरेट में हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइटेट कराया, तो इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी, फाइनल रीडिंग आई 11.5, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आया 11.5। इसे दोबारा फिर हमने लिया था, फिर हमने 25 ml ऑक्सैलिक एसिड लिया, जो फाइनल रीडिंग थी दूसरी बार में क्या हो गई, वो इनिशियल रीडिंग हो गई, और फाइनल रीडिंग आई थी हमारी 23 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल इसका डिफरेंस आया था 11.5। इसी तरह तीसरी रीडिंग हमने ली, फिर 25 ml ऑक्सैलिक एसिड लिया और इनिशियल रीडिंग हमारी 23 हो गई, और फाइनल रीडिंग आई 34.7, इसका डिफरेंस आया 11.7। तो हमने देखा कि इसमें 2 रीडिंग हमारी क्या थी, कंकॉर्डेंट थी, सेम थी, तो हमने उसमें से 1 रीडिंग ले ली, तो कंकॉर्डेंट रीडिंग V2 इज इक्वल टू 11.5। तो इस तरह हमने जो है कंकॉर्डेंट रीडिंग निकाली, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज 11.5 हमारा जो है कंकॉर्डेंट रीडिंग आया, V1 हमारा क्या हो गया 25 ml। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मोलरिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मोलरिटी इक्वेशन जो होगी ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तरफ ऑक्सैलिक एसिड दे दिया, एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड में क्या है 1 मोल है, तो 1 से डिवाइड कर दिया, और M2V2 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 मोल है, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद आया इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 M1V1 = M2V2, तो
m2 इक्वल टू क्या हो गया 2m1b1 डिवाइडेड बाय b2। तो इसलिए m2 हमने निकाल ली, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। अब क्या हो गया, मोलरिटी हमने निकाल ली है, मोलरिटी क्या 2m1b1 2m1b1 डिवाइडेड बाय b2। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। अब हमने निकाल चुके हैं वेयर m1 इज क्या, m1 इज मोलरिटी m / 20 मोल पर लीटर, v1 क्या है 25 है, v1 25 ml है, और v2 क्या है 11.5 वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये हमने निकाल लिया है। अब इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो 2 into m1 की जगह m / 20 तो 1 / 20 हो गया, v2 क्या है 25 है, 25 ml रख दिया, और मोलर मास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 डिवाइडेड बाय 11.5, कैलकुलेट करेंगे तो 8.69 ग्राम पर लीटर। इस तरह हमने जो है हमारा रिजल्ट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 8.69 ग्राम पर लीटर। तो इस तरह हमने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है स्ट्रेंथ निकाल ली है। उसके बाद जो प्रिकॉशंस होंगे कि आल द ग्लास ऑपरेटर शुड बी क्लीन प्रॉपरली विद डिस्टिल्ड वाटर एंड देयर शुड बी नो एयर बबल इन द ड्यूरेट पीपेट एंड फनल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ड्यूरेट बिफोर यूजिंग द एंड पॉइंट। तो इस तरह हमने प्रैक्टिकल कर लिया। थैंक यू सो मच।